असलम डे लर्नर्स एंड वेलकम इन दीडियो बात हो रही है मार्केट की प्रोडक्ट कहाँ बेची जाए कहाँ डिस्प्ले हो और ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सवाल होता है चीज़ बन तो गई है और आपने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन भी कर लिया है या एक सर्विस या एक्सपीरियंस बिक, बिकने के लिए मार्केट में आप लाना चाहते हैं आप मार्केट भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट आइडेंटिफाई करने के बाद हाउ यू विल डिस्प्ले योर प्रोडक्ट और योर सर्विस और एक्सपीरियंस जो भी आपने बेचना है बेचना कहाँ पर है ये सवाल जो भी इवन इनक्यूबेशन सेंटर्स में जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं उनसे सबसे पहले सवाल यही होता है कि अच्छा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी डिज़ाइन होगी बेचोगे हो कहाँ पे? तो so ये एक इतना अहम सवाल है कि इसके ऊपर जितनी भी डिस्कशन की जाए वो कम है बट एनी uh, हमने अपने स्टूडियोज़ में आज बुलाया माइन बर्ट को शी इज़ एन ऑन्टरप्र्योर एंड शी इज़ वर्किंग सेंस टू और हम इनसे पूछेंगे कि कितना जरूरी है कि आपको ये एग्जैक्ट पता हो कि आपकी प्रोडक्ट बिकनी कहाँ पर है और चूंकि अब हमारे पास दोनों तरह की मार्केट्स हैं फिजिकल भी हैं वो वर्चुअल मार्केट्स भी हैं दोनों मार्केट्स में से कौन सी मार्केट बेहतर हो सकती है किस तरह की प्रोडक्ट के लिए बेहतर हो सकती है ये भी सारे सवाल माइन से पूछेंगे माइन वेलकम इन द स्टूडियो थैंक यू सो मच फॉर ओके माइंड सबसे क्रिटिकल सवाल hmm. चीज बेचनी कहाँ पर है ये कितना जरूरी सवाल है वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें आपकी प्रोडक्ट के साथ भी वेरी करता है ना आपकी प्रोडक्ट है क्या क्या पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपकी मार्केट है अगर हम आजकल बड़ा इजी है ये कहना वर्चुअल मार्केट आसान है ऑनलाइन से स्टार्ट करें एंड देन यू गो टू इनटू द फिजिकल मार्केट बट कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो शायद वर्चुअल मार्केट की हो ही ना एंड द पर्सन इज लुकिंग इन लॉन्चिंग इट ऑनलाइन बट उनकी प्रोडक्ट मे बी फिजिकल मार्केट में ज्यादा उसकी प्रेजेंस हो फिर एरिया वाइज वाइज सिटी इट कैन वेरी सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रोडक्ट है क्या बिल्कुल उससे रेलिवेंट क्लाइंट्स कहाँ पे होंगे और फिर वहाँ से आप उसकी मार्केट बनाएंगे बिल्कुल That's और अब, तो from. अब तो बहुत ऐसी मार्केटिंग एजेंसीज हैं जो हुँ. बाकायदा ये सर्विसेज बेचती हैं कि जिसमें उनके पास जो डेटा अवेलेबल है उस अवेलेबल डेटा से वो आइडेंटिफाई करती हैं फॉर द देश जिसे कहते हैं ना वर्ल्ड स्पेशली कि कहाँ आपकी मार्केट बैठी है कहाँ कहाँ कस्टमर हैं उनका इनकम ग्रुप क्या है वो किस सेगमेंट से है वो एरिया जो है वो पोश एरिया कहलाता है वो मिडिल इनकम एरिया कहलाता है वो कहाँ वो आइडेंटिफाई करके वो देते हैं मार्केट्स को अच्छा इसमें ना जो सबसे अहम सवाल है वो आपने ख़ुद ही बता दिया हमारे जितने भी ऑन्टरप्रीनर्स हैं स्पेशली वो जो इनक्यूबेशन सेंटर्स में आ रहे हैं अपने आइडियाज़ लेकर प्रोडक्ट बहुत अच्छी है यहाँ सर्विस बहुत अच्छी है बहुत अच्छी डिज़ाइन की हुई है तो हम जब उनसे कहते हैं कि अच्छा आप ये बेचेंगे कैसे hmm. बेचेंगे कहाँ पे तो वो बहुत जल्दी बताते हैं कि अच्छा ये हम वेबसाइट बना लेंगे hmm. या हम फेसबुक पेज बना लेंगे और हम वहाँ बेचेंगे वर्चुअल hmm. मार्केट तो माइंड uh, ऑलरेडी बहुत ओवर क्राउडेड नहीं, hmm. hmm. so, तो नहीं है एवरीबडी इज़ सेलिंग ऑन वर्चुअल मार्केट सो वर्चुअल मार्केट तो मुझे लगता है फिजिकल मार्केट से ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है वॉट यू से अच्छा मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन् बताती हूँ स्टार्ट विदुअल मार्केट एंड वाई इज इट गुड एंड अगेन विल गो इन टू वाई सर्टन ऐसी प्रोडक्ट हैं जो शायद फेवरेबल ना हो और वाई ट्रांजेक्शनिंग इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल ठीक हो गया सबसे पहले तो हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना पहले वर्चुअल अच्छा। आपको अच्छा वाई वर्चुअल देखिए पहली बात तो यहवरीबडी इज ऑन द इंटरनेट राइट नाउ की सोशल लाइफ भी इंटरनेट के ऊपर है आपके एंटरटेनमेंट भी इंटरनेट के ऊपर है We exist most of the time, आप मोस्टली वी एग्जिस्ट ऑनलाइन मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है सो इट्स ईजियर टू गेट आईज ऑन अ पोस्ट ऑन समथिंग यू पोस्टेड एज अ पोस्ट शायद अब लोग शायद ड्रामा या टी वी पे वो एड्स और बिल बोर्ड भी शायद इतने नहीं देखते जितना फेसबुक पे गुजरते गुजरते स्क्रॉल करते हुए या इंस्टा पे उनको स्पॉन्सरशिप नजर आ जाती हैं। या है या फूड पेजेस पे लोग हैंग कर रहे होते हैं या किसी भी रेलिवेंट पेज पर हैंग कर रहे होते हैं एडवर्टाइजिंग के हिसाब से वर्चुअल मार्केट इज वेरी ओपन इज ईजी अंड अगेन स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए वर्चुअल इन दिस सेंस भी आसान है कि आपको एक लीस्ट इन्वेस्टमेंट में कम से कम पैसे खर्च करके आप एक मार्केट प्लेस बना सकते हैं ठीक है यू डोंट नीड टू हैव अ फिजिकल सेटअप यू यू डोंट डोंट नीड नीड एन ऑफिस अ प्लेस प्लेस टू टू और स्टॉक योर थिंग्स ह्यूज अमाउंट ऑफ सप्लाइज मेरा काम क्योंकि फूड और बेकिंग से रिलेटेड है तो अगर मैंने अगर मैंने स्ट्रेट बेक्स का, का काम करना होता तो आई वुड हैव वांटेड अ स्टूडियो मुझे कोई बेकरी चाहिए थी मुझे एक पूरा बड़ा किचन चाहिए था जहाँ पे मेरी सब चीजें पड़ी बट क्योंकि मैंने वर्चुअल से शुरू किया तो आई स्टार्ट मुझे नई जरूरत थी कि कहीं पे कोई टेबल चेयर्स लगी हुई हैं या मेरे पास या है, क्या दो है? तो चार चीजें थी पांच छह पैकेट मैं के लेके आए थोड़ा बहुत शुगर थी सारा कुछ था business, ठीक ठीक है? और मैंने उसके ऊपर पोस्ट करना शुरू किया लीस्ट the तो रिसोर्स तो के साथ अगर किसी ने कपड़े का काम करना है किसी ने पेंटिंग्स अपनी सेल करनी है दो चार पेंटिंग के साथ या दो तीन सैंपल्स के साथ आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है तो इन दिस सेंस विद विद स्मॉलर पॉकेट और लेस वर्चुअल मार्केट इज बेटर ठीक है हमने बात कर ली कि एडवर्टाइजिंग भी उस पर आसान हो गई फिर हमने बात कर ली कि लेस रिसोर्स पे भी काम हो गया उसके साथ स्पॉन्सरशिप uh, लेना या एडवर्टाइज करना इन दिस सेंस भी ज्यादा आसान है कि सोशली आप बहुत से ग्रुप्स पेजेस इस तरह की चीजें बन गई हुई हैं जो सर्टन मार्केट प्रोडक्ट से रेलिवेंट होती है आप मेकअप का, का काम करते हो तो मेकअप से रिलेटेड आपको एक हजार सेलिंग पेजेस मिल जाएंगे जिन पे यू कैन पोस्ट योर योडक्ट ऑन फ्री और विद अ मिनिमल मतलब एज अ अ अ अ पोस्ट टू टू हैविंग हैविंग और कैंपेन रन गोइंग मार्केटिंग एजेंसी आप लेस टाइम में और लेस रिसोर्स uh, um, के साथ आपने अपनी मार्केटिंग लॉन्च कर दी इसी तरह जिस मैं फूड में काम करती हूँ तो फूड के इतने पेजेस हैं Uh, मेरी अपनी जर्नी में फूड पेजेस है प्लेड अ बिग रोल आराम से वहाँ जो बनाई एक दो प्रोडक्ट्स बनाई पोस्ट कर दिया आई वॉज ऑलरेडी आई लाइक टू शेयर अबेट ऑफ माई स्टोरी आई वॉज ऑलरेडी इन टू बेकिंग एंड कुकिंग शेयर्स बिफोर आई स्टार्टड वेंचर मैं बना रही थी तो मुझे बड़ा शौक था मैंने फेसबुक पर एक स्क्रैप बुक बनाई हुई थी अब सबके अपने अपने शौक होते हैं कुछ लोग पिक्चर्स फोटोग्राफी शेयर करते कुछ लोग अपनी बच्चों की पिक्चर्स शेयर करते आई वुड ऑलवेज भी शेयरिंग अ पिक्चर ऑफ टूडेज डिजेक्ट माइंड स्क्रैप बुक एंड एवरी वन ऑन माई फेसबुक वुड भी वाओ अच्छा ये अच्छा ये आपने ये बनाया है, दिल कर रहा है एंड पीपलो the sort of हम खाएं, लेके खाएंगे ना आपसे तो so, मेरे पास वो सारी पिक्चर्स पड़ी हुई थी so, वहीं से उठाई और वहां लगा दी तो मैं बड़ी लीस्ट रिसोर्स के साथ आई स्टार्ट और वर्चुअल लेकिन आफ्टर अ वाइल मैंने एक दो स्टॉल किए

बट क्योंकि हम ऑनटरबन और हमने अपने आप को लिमिट नहीं ना करना वी नीड टू एक्सपैंड एट एवरी स्टेज जब मैं फिजिकल जगह पे खड़ी हुई मैंने स्टॉल किया तो आई हैड हैी इंट्रोड्यूस माई ब्रांड टू पीपल एंड आई वॉज गिविंग अवे माई कार्ड एंड टॉकिंग टू पीपल के अच्छा ये होम मेड आइसक्रीम है हाउ इज डिफरेंट जो मैं शायद साल डेढ़ पहले अपने पेज पे कर रही होती थी और मुझे अब वह नहीं करना पड़ता उस तरह से इंट्रोड्यूस सो एंड देन आई गॉट अ नदर मार्केट फिर मैंने अपनी प्रोडक्ट को पेज पे मैं रन कर रही हूँ बट आई स्टार्टेड आउटसोर्सिंग इट टू रेस्टोरेंट्स ठीक इस वक्त मैं घर से माइंस केक्री के पेज पे काम करने के अलावा टू डिफरेंट जगह पे आई एम प्लेसिंग माय प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट फिजिकली लोग आते हैं वहाँ से लेते हैं थर्ड मेरा इनशाला अभी इन अ कपल ऑफ मंथ्स सो मेरा थर्ड वेंचर भी लॉन्च हो रहा है वो That's भी आउटसोर्सिंग का है सो साइमल्टेनियसली आई एम वर्किंग फ्रॉम माई होम एंड आई ऑल्सो हैव अ फिजिकल प्रेजेंस नाउ एंड आई एम लुकिंग इन टू इन डाउन द लाइन हैविंग माई ओन फिजिकल सेटअप इनशा फिर मैं स्टॉल्स भी करती हूँ फिर डिफरेंट फेयर्स लगते हैं मैं उनमें भी जाती हूँ अच्छा वाई अब मैंने क्यों वर्चुअल से मैं अब मैं इसकी तरफ आती हूँ बिल्कुल वर्चुअल इज फंटासिक बट वर्चुअल इज लिमिटिंग ठीक है yes. और एक टाइम आता है जब आपका पॉइंट ऑफ सेचुरेशन के पास आप पहुँच जाते हो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फिजिकल मार्केट में शायद आप जब आते हैं तो आप और क्लाइंट को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि एक मेरा क्लाइंट है जिसकी सर्टन एक्सपेक्टेशन है सर्टन पॉकेट है सर्टन उसको फ्लेवर्स पसंद है लेकिन देर इज अ होल वर्ल्ड ऑफ पीपल आउट देयर जो शायद उससे डिफरेंट चॉइस के हों एंड वो भी आपके पोटेंशियल क्लाइंट हों बिल्कुल मार्केट आई फाउंड के देर इज अनदर लाइन ऑफ प्रोडक्ट दैट आई कैन लॉन्च अब मेरी एक लाइनअप है जो मेरा प्रीमियम लाइनअप है एंड देन आई हैव अ पॉकेट फ्रेंडली लाइनअप एज वेल जो मैंने इसलिए लॉन्च किया वैन आई केम टू अंडरस्टैंड कि नहीं दैट्स नॉट इनफ कि एक ही तरफ लेके जाए अ मोर पॉकेट फ्रेंडली लाइनअप फॉर द मासेस

बाहर से आई होती हैं चीजें अब उसकी सर्टन क्लाइंटल है सर्टन क्लाइंटेल क्योंकि बाहर की प्रोडक्ट इम्पोर्टेड है, है तो उनकी प्राइस टैग है उन उनपे अच्छा खासा ठीक है प्राइस अब वो पीपल वुड विद कमर्शियल बेकरी अच्छा ये क्यों इतनी महंगी है बिल्कुल इस चीज को वही बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है जिसने वो चीज खाई हो बाहर या कहीं और एक्सपीरियंस किया हो कि हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द कमर्शियल मार्केट ठीक है कि अच्छा ये टेक्सचर तो बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने बाहर डिस ब्रांड की आइसक्रीम खाई थी

अच्छा फिज़िकल मार्केट इसका मतलब यह कि वही वाली बात हमारी कि वर्चुअल मार्केट जो है आ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा जी हम अपनी वेबसाइट बना लेंगे क्योंकि शायद ये आसान है ठीक हाँ, है बट इट्स क्राउडेड हाँ क्राउडेड हाँ, है एक तो और उसको फिर ऑपरेट करना फिर उस, अच्छा उसमें ए, एक चीज़ हमने और देखा था और वो यह देखा था कि वर्चुअल मार्केट्स के अंदर फ़िज़िकल मार्केट के मुकाबले में क्योंकि फिज़िकल मार्केट में तो वन टू वन आप कस्टमर को डील कर रहे होते हैं और कस्टमर आपके पास आया उसने आपसे शिकायत की आपने उसकी शिकायत दूर कर दी और उसने एक दो लोगों से बात की बट mm. वर्चुअल मार्केट्स में जब आप चीज़ बेचने के लिए आते हैं तो वन नेगेटिव रिव्यू जो है उसको किस तरह आप हैंडल करेंगे क्या सो mm. so, वर्चुअल मार्केट्स के अपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो चैलेंजेस हाँ. आ जाते हैं और इन चैलेंजेस को डील करना मुश्किल हो जाता है और सम टाइम एक नेगेटिव रिव्यू जो होता है वो आपको बहुत देर तक जिसे कहते हैं हिट करता रहता है नेगेटिवली आपके बिज़नेस को और आपको बार बार बताना पड़ता है कि अब ये नहीं होगा ठीक है सो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि वर्चुअल मार्केट्स माइंड क्या हम ये कह सकते हैं आपकी डिस्कशन से कि वर्चुअल से फ़िज़िकल में जाएं मार्केट में या फिज़िकल मार्केट से वर्चुअल में आएँ या आप दोनों में डील करें दोनों मार्केट्स के अपने एंड कॉन्स हैं और ये प्रोडक्ट पर आपकी डिपेंड करेगा या सर्विस जो आप बेच रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपको दोनों में से कौन सी मार्केट ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा फ़िलहाल शुरू करने में आसान हो सकती है बहुत से अब बड़े जिस तरह हम किसी ग्रैंड स्टोर में जाते हैं वहाँ मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं अब बहुत से वर्चुअल स्टोर्स आ हैं जिस पे हैं। आपकी क्या ओपिनियन है अच्छा, सा साथ लेके चलें वो जो हम कंफ्रग्रेशन की बात करते हैं ना वर्चुअल फिजिकल साथ, साथ चलने चाहिए क्योंकि आपकी वर्चुअल मार्केट आपकी फिजिकल मार्केट को बूस्ट करेगी और आपकी फिजिकल मार्केट जो है वो आपकी वर्चुअल को बूस्ट करेगी ठीक है फिजिकल मार्केट में भी अगर आजकल लोग इवन रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं मैं क्योंकि फूड का ही एग्जांपल देती हूँ उसका रिव्यू लगता है इन द इन द इन द ग्रुप ऑन फेसबुक ऑल्दो दे हैड देयर एक्सपीरियंस व्हेन दे वेंट टू द रेस्टोरेंट बट दे कम आप सिर्फ एक फिजिकल मार्केट में भी नहीं चल सकते बिकॉज़ पीपल वांट पीपल आर यूज्ड टू एन ऑनलाइन प्रेजेंस एंड हैविंग अ वेबसाइट डस गिव यू अ प्रोफेशनल फेस

इन योर ओपिनियन आसान हो गया yes. uh, uh, well. मैं आपने जो भी अपनी market अपनी बनानी है उसमें करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो ऑनलाइन जैसे जिस तरह के आप प्लेटफॉर्म्स की बात करें उनकी एक सर्टन ऑडियंस है बिल्कुल उस ऑडियंस की सर्टन पॉकेट है और सर्टन एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल जो आपकी let's suppose आपने पेज बनाया हुआ है उसकी एक सर्टन ऑडियंस है और उनकी एक सर्टन वे फूड ग्रुप्स में जाएं तो वहां पे और तरह के लोग होते हैं बिल्कुल so, है। अगर एक समन सेलिंग गो टू सॉल्प एरिया या इस तरह की जगह करें कि उनको फॉरन वहाँ बूम मिल जाएगा अगर मैं बड़ी ब्रांडेड चॉकलेट्स के वहाँ जाके नाम लेना शुरू कर दूँ तो वहाँ लोग उस तरह से चीजों को और मैं ऑनलाइन आके कोशिश करूँ कोई ऐसी प्रोडक्ट बेचने की जिसकी शायद फिजिकली इतनी ऑडियंस ही नहीं बैठी हुई और समथिंग जो अभी लोग इतने उनके पास इंटरनेट पर इतनी एक्सेस नहीं है उन की, तो शायदेंटिफिकेशन दर्स्ट इज आइडेंटि नो वे योर क्लाइंट इज सिटिंग और आपको कौन सी मार्केट सूट करती है बट देश टू शॉर्ट ऑफ ब्रिंग एवरी थिंग टूगेदर और आप चीजों को कॉल रिलेशन में चलाए फिजिकल वर्चुअल और भी उसके अलावा ढूंढे और क्या है सोशल सर्कल्स में कहीं पे फेयर्स हो रहे हैं आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कहीं पे कभी एक्सपो में फेयर हो रहा होता है कभी डिफरेंट मॉल्स में एक्सिबिशन हो रहे होते हैं स्टॉल्स लग रहे होते हैं आप देखें कहाँ कहाँ आप जाके अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं बेचना ना बेचना बात की बात है आप पहुंचे तो सही हर जगह पेज कंबाइनिंग ऑल द फैक्टर्स टुगेदर फॉर फॉर द द लॉन्ग लॉन्ग रन रन ठीक so, हो गया थैंक यू स्टूडेंट्स कमिंग बैक टू द पॉइंट प्रोडक्ट uh, आपकी बहुत अच्छी हो सकती है सर्विस आपकी बहुत अच्छी हो सकती है एक्सपीरियंस बेचने के लिए जो निकला है बहुत अच्छा आपने डिज़ाइन किया होगा लेकिन उसके लिए आइडेंटिफाई करना सही मार्केट कि आपके लिए सही मार्केट है कौन सी जहाँ आप जाके अपनी चीज़ को बेच सकें यह भी बहुत क्रिटिकल होता है इसीलिए हम कहते हैं कि आपने वर्चुअल में जाना है आपने अपनी फिज़िकल मार्केट में जाना है या आपने दोनों मार्केट्स में जाना है अपनी चीज़ को बेचने के लिए इट्स अ वेरी क्रिटिकल डिसीजन सो uh, so, uh, देखें आपकी प्रोडक्ट आपका जो सर्विस है अगर आपने उस मार्केट uh, के अंदर जाके बेचनी है तो कौन सी मार्केट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है सी द नेक्स्ट वीडियो